इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन प्याज में एक निराई गुड़ाई के छोटे से तरीके के बारे में या छोटे से जुगाड़ के बारे में। आपको बता दें, यह छोटा सा आप औजार देख रहे हैं, इससे आप लहसुन प्याज में निराई गुड़ाई कर सकते हैं। यदि आप खुरपी की सहायता से करते हैं, इसमें आपका काफ़ी खर्चा जाए। यह एक छोटा सा औजार है, इससे आप लगभग 10 आदमों का एक व्यक्ति कर लेता। और हमने इसी औजार की सहायता से प्याज में रुपाई भी की है। यदि आपने प्याज रुपाई की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप प्याज रुपाई की वीडियो चेक कर सकते हैं। और हम आपको दिखाते हैं इससे आप आसानी से प्याज में लहसुन में निराई गुड़ाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको इसी औजार से पहले आपको रुपाई करनी होगी ताकि क्यारियाँ एक समान दूरी से हों। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल कृषि और भारद्वाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं हूँ आपका अपना दोस्त प्रशांत भारद्वाज। आप देख रहे हैं दोस्त, इस तरह से यदि आप प्याज की निराई गुड़ाई करते हैं तो यह आसानी से ही बहुत जल्दी ही आपके सभी पौधों को छोड़कर निराई गुड़ाई आसानी से हो जाती है। खुरपी की अपेक्षा इसमें काफ़ी जल्दी वर्क होता है। इस तरह आप आसानी से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।